इनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाएंगे, इनके भी पक्के मकान बनेंगे, इनको भी अच्छी नौकरी मिलेगी, इनको भी आरक्षण मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिलेगा और उनको कॉल लाया जाएगा। बहुत महिला सुरक्षा है, बहुत काम है कर रहे हैं। अभी ये चुनाव तो खत्म हो और भाजपा की सरकार तो आए महाराष्ट्र में, और नहीं तो भाजपा की सरकार आएगी और सिर्फ जो मराठी के जो नारे लगाते हैं झूठे, इनको मराठियों से कोई लेना देना नहीं है, इनको मराठियों से कोई नहीं, यहाँ पे मर रहे हैं मराठी, दूसरों के बर्तन मांग रहे हैं, उनके शेतकरी जो है आत्महत्या कर रहे हैं और झूठा झूठा मी मराठी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं वोट बटोरने के लिए, झूठ बोलते हैं ये, इनको सिर्फ वोट बटोरने हैं। इसीलिए हमारे जो दलित समाज के लोग हैं उनको भी एक औषध डालते हैं, चिकन बिरयानी टपड़ी दे देते हैं और अपनी टपड़ी सीधी करते हैं, इनको शर्म नहीं चाहिए। और मैं आरपीआई पार्टी से आरपीआई के लोगों को कहना चाहती हूँ कि अब तो जागो, अब सत्ता तुम्हारे हाथ में है, जागो। और इनके टुकड़ों पे मला राग है। अभी हमारे सब लोग कोई भी इधर उधर नहीं घुमाएंगे, हमारे लोग आरपीआई के जितने भी कंटेस्टेंट जो खड़े हैं उनको भी जिताएंगे, क्योंकि अभी पांच साल वक्त नहीं है, अभी कमल के साथ में आरपीआई का कौन सा चुका है राखी जी? राखी जी एक एक करके राखी जी, आपकी बात मोदी सरकार जैसा स्लोगन है तो आपकी नजर में आपने क्या स्लोगन बनाया? इस बार भाजपा आरपीआई की सरकार मेरा कर्तव्य है ये, क्योंकि मैं अपनी पार्टी में ईमानदार हूँ। अरे आरपीआई के पास पैसा नहीं है ना, आप देखो ना जिन जिन के होर्डिंग्स लगे हैं कितने मारे हैं इनके पास, आणि त्या पद्धतीने एका पत्रकाराने मला विचारलं होतं, पाहिली मुंबईचा राजा कोण?